जी मैडम, आपको क्या चाहिए? सर, हमारा एक छात्रावास है। हम वहाँ गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करते हैं। आज हमारे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप कितने ब्रेड खरीदना चाहती हैं? ब्रेड खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं हमारे भूखे बच्चों के लिए आपसे कुछ ब्रेड मांगने के लिए आई हूँ। क्या मांगने आई हैं? आपने क्या इसे धर्मशाला समझ रखा है? चलिए जाइए यहाँ से और दोबारा मत आइए। धन्यवाद सर, यह तो मेरे लिए है। अब मेरे भूखे और अनाथ बच्चों के लिए भी कुछ दे दीजिए। यह कैसी औरत है? क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं, मेरे भूखे बच्चों की खातिर मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, लीजिए यह ब्रेड ले जाइए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा। आपसे आप यहाँ रोज आ सकती हैं। मैं आपके भूखे बच्चों के लिए रोज ब्रेड दिया करूंगा। बस आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर आपका भला करे। चिंता मत करो, ईश्वर सब कुछ प्रदान करेगा। किंतु मैडम, आप कौन हैं? आप मेरे जैसे अनजान इंसान के लिए यह सब क्यों करती हो? खुद मेरे परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों ने भी मुझे भुलाया है। मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं हर एक को ईश्वर की संतान के रूप में ही देखती हूँ। ईश्वर अपनी संतान को प्यार करता है। मैं केवल आपके लिए ईश्वर के प्रेम को दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। हर एक को ईश्वर की संतान की तरह जीने का अधिकार है। आप निश्चित रूप से मेरे लिए ईश्वर द्वारा भेजी हुई माँ है। मैं जिंदगी भर रास्ते के किनारे एक जानवर की तरह जीती रही। अब मैं आपकी बाहों में एक फरिश्ते की तरह मरूंगी। विश्वास रखो, पिता ईश्वर तुम्हें अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार है। मदर टेरेसा के कुछ आलोचकों का ये मत है कि वो केवल परित्यक्त और शोषित लोगों पर ध्यान देती हैं, जबकि शोषण करने वालों पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इराक के युद्ध के समय उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति श्री जॉर्ज बुश और इराकी राष्ट्रपति श्री सद्दाम हुसैन को लिखा। मैं जानती हूँ कि दोनों देश शक्तिशाली हैं। आप सारे संसार को नष्ट कर सकते हैं, किंतु क्यों? इतिहास के पन्नों में लोगों के हत्याकांड से आपका नाम जुड़ने से आपको क्या लाभ होगा? श्री जॉर्ज बुश और श्री सद्दाम हुसैन
क्या आप कभी अपने आप को क्षमा कर पाओगे? इतिहास आपको हत्यारे कहकर पुकारेगा। चाहे जीत हो या हार, सब कुछ भुला दिया जाएगा, किंतु युद्ध का विनाशकारी परिणाम दशकों बाद भी याद किया जाएगा। हिरोशिमा की याद आज भी हमारी हड्डियों को कपाती है, रूह को हिलाती है। क्या आपको ईश्वर ने यह अनुमति दी है कि आप मौत के सौदागर बने?